পশ্চিম জেলার জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ভৌগোলিক কিছু কারণের জন্য এখানে মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে, তখন দরকার পড়ে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিমের। বিশেষ করে শহুরে বন্যার কারণে প্রায়শই দুর্যোগের সৃষ্টি হয় আগরতলায়। রাজধানী আগরতলা শহর একটি বাটির মতো আকৃতি, তাই ভারী বর্ষার সময় জল জমে যায় শহরের মাঝে। সেই জল পাম্প করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আশেপাশের নদী নালা। এপ্রিল মে মাসে বিশেষ করে কালবৈশাখের সময় সমস্যা বাড়ে। রিলিফ ফান্ডে প্রায় 18 কোটি টাকা ব্যয় করেছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানাতে এবং দুর্যোগ মোকাবেলা দপ্তরের আসন্ন কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে জেলা শাসকের দপ্তরের কনফারেন্স হলে মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডাক দেন পশ্চিম জেলা জেলাশাসক এবং কালেক্টর ডক্টর বিশাল কুমার। জানান, কেন্দ্র রাজ্য তহবিলের বেশ কিছু টাকা এখনও খরচ করা হয়নি। আসন্ন যে কোনো রকম দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন তারা। দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সাধারণ মানুষের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম। রাজ্য জুড়ে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত, আগরতলা পৌর নিগম, অন্যান্য কর্পোরেশন সবাই মিলে সারা বছর 24 ঘন্টা প্রস্তুত থাকে যে কোনো রকম দুর্যোগ মোকাবেলায়। আর क्योंकि आप सभी को पता है कि जो डिज़ास्टर एक्टिविटी है ये एक कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव है, जिसमें जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं अथवा जो हमारे ट्रेंड सिविल वॉलेंटियर्स हैं ये हमारे साथ काम करते हैं। इसमें अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिफरेंट म्यूनसिपैलिटीज़ और ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत लेवल पर जो ऑफिशियल्स हैं सब हमारे साथ काम करते हैं। और हमें बहुत खुशी से बताना पड़ता है कि जो हमारी रिलीफ एक्टिविटी है ये 24/7 है, और जितनी भी हमारी लाइन एजेंसीज हैं जैसे फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस है, वाटर रिसोर्स है, ये सभी हम लोग इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करते हैं। और लास्ट कई सालों से, लगभग 4-5 सालों से ऐसा कोई भी बहुत बड़ा डिज़ास्टर लेवल या इमीडिएट डिज़ास्टर्स नहीं आया है, और अगर आया भी है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से हमारे लेवल पे डील किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो नागरिक हैं वो जो हमारा डिज़ास्टर रिलीफ जो हेल्पलाइन नंबर है जो हम आपसे इस पत्र के साथ शेयर भी करेंगे, इसको इस्तेमाल करें। और कोई भी उनके घर में समस्या हो, कहीं आग लग जाती है या कहीं कोई जंगली जानवर जैसे सांप या इस तरह की कोई वस्तु निकल जाती है, अथवा कहीं रोड ब्लॉक हो जाता है या उनका घर धस जाता है लैंडस्लाइड होने की वजह से या बिजली गिरने की वजह से किसी को चोट पहुंचती है, तो ज़रूर हमें इस पे संपर्क करें। और हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से हम उनको सपोर्ट करेंगे। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ভুয়ো আধার কার্ড এবং ভুয়ো পিআরটিসি নিয়েও বক্তব্য রাখেন পশ্চিম জেলা জেলাশাসক এবং কালেক্টর ডক্টর বিশাল কুমার। ভুয়ো পিআরটিসি এবং ভুয়ো আধার কার্ড সংক্রান্ত অভিযোগের কথা এক প্রকার স্বীকার করে নেন তিনি। বলেন, বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী শহর হওয়ার কারণে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা বেড়েছে আগরতলায়। ভুয়ো আধার কার্ড এবং ভুয়ো পিআরটিসি সংক্রান্ত বেশ কিছু অভিযোগও জমা পড়েছে তার কাছে। অত্যন্ত গুরুতর এই সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষ দল গঠন করেছে রাজ্য প্রশাসন। कार्ड और कुछ पीआरटीसी सस्पेक्ट किए गए हैं हमारी तरफ से, तो इन आधार कार्ड और इन पीआरटीसी की हमने जांच कराई है, और कुछ जांचों में आया है कि ये जो आधार कार्ड या पीआरटीसी होल्डर्स हैं वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। मतलब उनका उनका एड्रेस वगैरह है यहाँ का, लेकिन वो यहाँ पे रहते नहीं हैं। तो इस पर हमारे ऑफिस के लेवल पर एक सीनियर ऑफिसर इसकी पूरी डिटेल इंक्वायरी कर रहे हैं, और इसमें जो भी ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल लोग इसमें अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उनके खिलाफ उक्त कार्रवाई की जाएगी। परंतु क्योंकि ये बॉर्डर एरियाज़ हैं और कई बार इन एरियाज़ में किसी तरह के ये जो ब्रोकर्स हैं ये काम करते हैं, इनको भी हमने कुछ को पहचाना है, और हम पुलिस के साथ मिलकर इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। परंतु जिस तरह से आपने अप्रिहेंशन किया कि कभी कभी आधार कार्ड गलत बनाए जाते हैं, उन नागरिकों के बनाए जाते तो यहाँ पर नहीं है, ऐसा हम भी एक्सेप्ट करते हैं, और इसको और हम लोग इसको और स्क्रूटनी तरीके से देख रहे हैं कि ऐसी घटना फ्यूचर में ना हो। পশ্চিম জেলা জেলাশাসকের দপ্তরের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরাও। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।